अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स बेसिकली टर्निंग पॉइंट होता है पैराबोला का। लेट सपोज आपके पास ये पैराबोला डायग्राम है, अब इस पॉइंट पर ये टर्न हो रहा है तो दैट टर्निंग पॉइंट विल बी नोन एज वर्टेक्स। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं वर्टेक्स को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आपके पास क्वेश्चन मौजूद है 8 - 2x - x2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल्स टू ax² + bx + c। अब यहाँ पर इस इक्वेशन की मदद से हम a, b और c की वैल्यू को निकालेंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास x² यहाँ पर भी मौजूद है और इस इक्वेशन में भी मौजूद है, तो x² के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारे a कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास a इज इक्वल्स टू -1 होगा, क्योंकि x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये 1 है और साइन हमारे पास माइनस का है। इसके बाद जब हम बात करते हैं b की, तो यहाँ पर b हमारे पास -2 और C हमारे पास 8 है। अब इन वैल्यूज़ की मदद से हम पहले एक्स वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे और फिर वाई वर्टेक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए एक्स वर्टेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू -b/2a। अब करना क्या है, करना सिर्फ ये है कि इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करना है। हमने सबसे पहले माइनस का साइन लगाया क्योंकि माइनस फॉर्मूले का है। यहाँ पर b हमारे पास है -2, हमने लिख दिया -2/2 फॉर्मूले का, और a हमारे पास है -1। माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास प्लस का 4 और 2 × 1 = 2। यहाँ हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, हमारे पास माइनस आ गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अगेन यहाँ पर हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो एक्स वर्टेक्स हमारे पास आ रहा है -2। अब हम वाई वर्टेक्स की तरफ जाएंगे। वाई वर्टेक्स का फॉर्मूला निस्बतन थोड़ा सा बड़ा, लेकिन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फार्मूला है -b² - 4ac/4 है, वही सेम फार्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया। अगेन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, माइनस का माइनस, b² यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू ये दी हुई है -2, तो हमने यहाँ छोटा सा ब्रैकेट लगाया और -2 लिख दिया। ब्रैकेट इसलिए लगाया ये वाला कि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू माइनस में है, तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो साइन में चेंजिंग आ सकती है। देन हमारे पास यहाँ पर माइनस, फिर 4, ए हमारे पास है -1 और सी हमारे पास है 8 डिवाइडेड बाय 4, और ए की वैल्यू हमारे पास है -1। देन फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस का साइन यहीं पर ही रहेगा, 2² हमारे पास 4 आएगा और साइन आएगी हमारे पास प्लस की। जब भी किसी भी वैल्यू का हम स्क्वायर लेंगे और उसकी साइन माइनस में हो तो वो साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। देन माइनस माइनस प्लस, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 डिवाइडेड बाय 4 × 1 = 4, यानी कि हमारे पास आ गया -4 इज इक्वल -4 में 32 ऐड कर देंगे 36 डिवाइडेड बाय -4। अगर हम अब इसको डिवाइड कर दें, 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास y वर्टेक्स का आंसर आ रहा है 9।
तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान, जस्ट एक्स वर्टेक्स और वाई वर्टेक्स के फॉर्मूला को मेमोराइज करना है। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको इसके मुताबिक आप लिखिए, वैल्यूज़ को लेकर आइए एंड देन उन वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दीजिए फॉर्मूला में, आपके पास वर्टेक्स का आंसर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा। इनके आंसर हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन पर पोस्ट कीजिएगा। आई विल डेफिनेटली चेक योर क्वेश्चंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।